झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित बाड़कुआ ग्राम के क्वारंटीन सेंटर में उस समय हंगामा हो गया जब सेंटर में काम करने वाले क्लिनिकल स्टाफ ने काम बंद कर हड़ताल कर दी। क्लिनिकल स्टाफ ने सेंटर में भर्ती मरीजों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। वहीं दूसरी ओर भर्ती मरीजों ने वीडियो संदेश में सेंटर में अनियमितता का आरोप लगाया। मरीजों का आरोप है कि सेंटर में साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है और भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। मौके पर पहुंचे सिविल सर्जन को स्टाफ ने शिकायती आवेदन सौंपकर अभद्रता करने वाले मरीजों पर कार्यवाही की मांग की। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद सिविल सर्जन की समझाइश पर कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए। हंगामे के दौरान राणापुर से क्वारंटीन सेंटर में भेजे गए मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सभी मरीजों को करीब एक घंटे तक सेंटर के गेट पर ही रहना पड़ा। हमें राणापुर से लाए हैं और वर्तमान में यहाँ बाहर गेट पे खड़ा कर दिया। अंदर जब कर्मचारी गए थे वैन वाले 108 वाले, उन्हें कहा कि हम हड़ताल पे हैं, आप इन्हें यहीं छोड़ के चले जाओ, तो हमारा सामान सहित हमें यहीं छोड़ के चले गए। अंदर हमें नहीं जाने दे रहे, हमारा सामान भी बाहर पटकवा दिया। रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव है पर सिम्टम तीसरे दिन तक यह कचरा ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। फिर दूसरा, यहाँ पर किसी को 5 दिन में छुट्टी दी जा रही है, किसी को 3 दिन में छुट्टी दी जा रही है। जो व्यक्ति मेरे साथ में 20 तारीख को मेरी एम्बुलेंस में बैठकर आया, वो तीसरे दिन अपने घर पहुँच जाता है। इसका ऑब्जेक्शन मेरे द्वारा लिया गया, जिसमें नीचे उपस्थित डॉक्टर जन उनके द्वारा मेरे ऊपर विवाद करने का एक उल्टा आरोप लगाया गया, जिसके यहाँ पर मेरे साथ में रह रहे दूसरे पेशेंट साक्ष्य है। अभी काम करना, ये मतलब हमसे बात करने के पश्चात ये काम करने के लिए बोला, कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं लोग, इनके साथ जो बदतमीजी हुई है, तो मैंने कहा इनको लिख के दीजिए, अपन एकदम से कोई काम नहीं बंद कर सकते, ना कोई स्ट्राइक कर सकते हैं। ये क्या है, इमरजेंसी चल रहा है, कोविड एक बहुत, ये तो पूरे विश्व में चल रहा है, तो एकदम से हम काम नहीं बंद कर सकते। लेकिन जो इनके साथ बदतमीजी हुई है, तो उनके ऊपर जो विधिवत जो नियमानुसार हम लिख के देंगे, तो वो कार्रवाई उनको करना है।